आपके अपने लाडले पवन सांदरवासिया, जो कि आप सभी जानते हैं आर के म्यूजिक कंपनी अपनी भिवानी की कंपनी बड़ी प्रसिद्ध कंपनी है, जो कि बड़े बुजुर्ग किसे नौजवान ने नू कह दे राग नहीं सुना ये तो आर के म्यूजिक कंपनी में मोबाइल पर लट देने ही आन पड़े हैं। तो ये जो आज की रागनियां है ये सभी रिकॉर्ड आपको मिलेंगी, अगर यहाँ आए हैं वो डबल सुनेंगे, यहाँ भी सुनेंगे और बाद में अपने घर बैठे भी हम सुन सकते हैं। उसके लिए हमारे बीच में ऑडियो वीडियो यूट्यूब कंपनी आर के म्यूजिक भिवानी आपकी सेवा में है। जो ये रिकॉर्ड इंसान पर गलती हुआ है, अगर भैंस ने नू बेरा पाट जा बाबा तेरा 40 रुपये किलो दूध भी कहे तो अपना ती दूध दे को नहीं होटल पर दूध दे, तो इन्हें सुनाऊंगा अच्छे लागे तो ठीक है, नहीं नू सोचियो अपना लाडला कृष्ण पंपड़िया ती 2 मिनट दान में दे। चुटकले ऑटोमेटिक बने अपना हरियाणा में एक नू बलियो खड़े हो लो आप खातर चा बनाऊंगी, खड़े हो लो ने चा बनाऊंगी, खड़े हो लो 2-3 बार कई बाबा वो भी खेस उगा फिर बना ले मैं के टोपिया में सुत्या हूँ। तो ये बोला बाबा बोला राग नहीं बदल दे जानू इससे की चलना है, पर हुआ है दादा आदमी काम के लिए से अपनू टोकन में इसे इसे हास्य कलाकार महरंदर बिल फौजी तो ईसा है, इसी नकल मार देगा 3 दिन छुट्टी टा दे सीखेगा, इतना डेंजर कलाकार है पर नकल सना साना जिंदगी है। दारू वाले और सुलफाड़े अलग अलग दिमाग क्यों हो थोड़े ही, सुलफाड़ा लड़ाई को नहीं कर दारू वाला चलता चलता मुकदमा ले ली, एक सुलफाड़ा ईसा हुआ है दूसरा गम में सुलफा समड़ गया, उनने सोची किसके लिए हुआ है के बेराई कानूनी अपराध है, एक सारी दुकान पर नू बोला भाई साहब आपका गम में टूटरू बेचा है कोई, बोला क्यों हुआ है टूटरू, बोला दुम्मा तमाखू, बोला ओका का, बोला रत फूक दे वो सब्जी बोराड़ा गंजा सुल्फा, बोला फिर न्यू बोली मारा मंग तू बेचा है चौक में है, अरे चौक में जा सीधा नू बोला मंगतू पाओगा, हाँ बोला मंगतू नाम है, ले बाबा गया चौक में मंगतू का अगर कुर्सा है, बोला सीधा चला जा, सीधा गया अरे वो क्यों ना मंगतू है टकरा गया गाल में, नू बोला राम राम भाई साहब, बोला राम राम, नू बोला मंगतू का अगर कुर्सा है इब खुद मंगतू, नू बोला क्या करेगा मंगतू का, बोला थोड़ा हा काम था चूटरू हाथी था दुम्मा, बोला दुम्मा तो ये था जा मंगतू वाला काम तराड़े कर दू तो, बोला फिर ताप कर दो, बोला मंगतू की भाड़ गड्डी है अलग अलग नशे है। तो आइए बड़ा धन्यवाद अगली पार्टी ने इट बनाया पेटी खुड़का करके इट, नो बोला बेटा कर सनी तू चुटक लेकर, तो ये बड़े कलाकारों का आशीर्वाद है। गुरुजी राजेंद्र सिंह खरकिया, मास्टर सतवीर जी, बाली शर्मा और ये युवा कलाकार इन मेरे वोट गेर दिए बाबा, फिर मन ने भी सोच ली कृष्ण तेरा मुंह मुंह भूंडा है बात तो सोलिड है, तो बात सोलिड करूंगा जो भी निर्णायक हो ताकत के साथ हो जा, अरे ये फिल्मी दुनिया तो इसे है पूरी फिल्म बदल गया लाखों की करोड़ों की कोठी बना लो बुढ़ा नरगंडा सा ने जगा को नी तोड़ी आला में ले गया है, एक ही अपनी बुढ़ापा पेंशन सरकार का धन्यवाद करा, एक बुढ़ापा पेंशन में बुढ़ी बोली ओ रमलू के बापू दुनिया ने पेंशन बनवा ली मेरी पेंशन बनवा दे तो पीछे छोरिया ना हाथ में देन के हो जाएंगी, नो बोला रे बुढ़ापा में तू खड़ा पेंशन बनवावेगी मन पढ़सू खड़े भेजेगी सरकारी काम से छोरा ने भेज देने, वो छोरा भी नो बोला बाबू बुढ़ा आदमी की ज्यादा सुनाई हो वह सरकार में तू सब टक्कर मारेगा
सुनेंगे तू ये जा। बोले के ले जा, आधार कार्ड ले जा, राशन कार्ड ले जा, वोट कार्ड ले जा, कोर्ट में चला जा। गया कोर्ट में, गया बोला बाबूजी देवेंद्र साहब परमार जी तेरी दाई की पेंशन बना दे। बोले देख लिया देवेंद्र साहब ने बोला ताऊ है। बोले ताऊ एक बार तहसील में जाना पड़ेगा, कोर्ट में डीसी का एसडीएम का बीडीओ का जाना पड़ेगा, अरे बनवावांगे थोड़े दंडट जानू। बोला मन बता दे मैं सीधा जाऊंगा दूर। बोला बीडीओ ऑफिस में चला जा। दो फार्म ताऊ गया डोगा लेके कोडा कोडा दड़ू पुड़क तड़क लकड़ेगा। अरे गया डीसी ऑफिस में, बाबू जी राम राम, राम राम ताऊ जी आओ, बोलो सेवा सेवा या है सब भाई तेरी ताई की पेंशन बनवानी है, बुढ़ापा पेंशन। नु बोलाओ हो ताऊ फिलहाल तो विकलांगों की बना है, लंगड़े लुल्ला की एक भी ना लगेगा, एक भी न के बाद मायो। अब फिलहाल कार्रवाई लंगड़े लुल्ला की तनख्वाह मिले है, बुढ़ापा पेंशन रुक रही है, एक भी न माये तंग पा गया। बुढ़ा आदमी आया घर हमारे कागज बगा की बुढ़ी का माथा में हर मल्लू की माँ फूक दे कागज दुखी कर दिया उधरांड। बोली के बात ही बनवाई कोनी के, बोला कोनी बने कोनी बने। छोरे बोले के बात बापू क्यों कोनी बने पेंशन। नू बोला कोनी बने, बुढ़ा की पेंशन रुक रही से, नू करो इसके हाथ पैर तोड़ दो विकलांग की तौली बनेगी। छोरा ने भी लठ ठाया, ने बोला बाबू तैयार हो जा फिर तो तन्ने मारांगे, विधवा की तावड़ी बनेगी। तो आइए मैं जाना चाहूं है सब न कर लिए, अरे बुढ़ी न कर ली नारे भाई मैं सुरग में तो नहीं जाना चाहूं। मैं तू क्या था को नहीं जाना चाहूं है ताई। नो बली सारे ढेड़ तो ऊपर चले जाएंगे फिर आड़े सुरग हो जाएगा। ये हमारे आदरणीय गांव के सरपंच साहब, गांव के मुखिया, जिम्मेदार इंसान 500 रुपए देते हैं, और सरपंच की तो इतनी करड़ाई हो, गांव का सेवक तो बन गया है। एक आधा तो रात न भी 12 बजे कुआड़ खुड़का दे, बोले सरपंच साहब बटे रट्टी को नहीं खांदा। बताया भी मुसीबत बड़ी जिम्मेवार होते हैं सरपंच साहब ने मान सम्मान रखा, बार बार धन्यवाद। और ये चुटकले बाबा, ये कंपनी अपनी है पड़ोसी आर के म्यूजिक हरियाणवी कंपटीशन, ये नकली रिकॉर्ड कर रहे कोनी, ये गुदड़ा में भी सुन सका है यो कार्यक्रम, उसके लिए अपनी कंपनी है। कदे मोबाइल पर देखो तो आर के म्यूजिक कंपनी भिवाड़ी, इसमें रागनी रागनी मिलेंगी, वह कोनी मिले इसमें गाने ए क्या बोलती तू। यो देसी बाढ़ की खातालियां बड़ी मेहनत के साथ 100 रुपए मेरे को भी दे है, क्यों मेरे चुटकले इनका कमावे है, लोग देख ले है, और मैं तो इतना कमाई मानू हूँ आप हंस लो हो मेरा घर दीना हो जाए। और 100 रुपए हमारे आप क्यों, आप दो कंपनी हो जी एक दो बात कर रही हो, आप तड़ा तर रिकॉर्ड करो तो 50 दे दो। तेरा मरुद में बोले तेरी किस्मत खराब है, एक जना ने काल बुड़का मारा उसमें ही रोआ ना लग गया। बोले भाई लग गया होगा तो अपना हरियाणा आदर जवाब ले बाबा। एक सपना देखे, सपना में खिलौने की दुकान खोल लिया। अरे ग्राहक आ गया, भाई साहब कितने का खिलौना ले जाओ, 100 रुपए का ले जा, लेना हो तो लेना ताड़ कर ले। वो नो बोला गोद मात हमारे 80 रुपये थे, नो बोला 80 रुपया का लगा ले, 20 रुपये फेर दे दूंगा। नो बोला ना लेना हो तो 100 का दूंगा नहीं तो ता। सपना सपना में झगड़ा झगड़ा मैं खुल गई, और उसने देखा ना तो तू दुकानदार और ना कोई लेने आ रहा, उल्टा खेस डेकी बार हाथ काट की नो बोला लिया तो फिर रस्सी दे जाओ। ये भी गए आशा करो बाबा से गुदगुदी करो, आशा कलाकार के चुटकले और किस किस के गुदगुदी करूंगा, ये चुटकले अपने ऑटोमेटिक बन जाए।
बुढ़े जब तो आखिर जब आप आ जाए कोई मूली बेचता हो नून लगा की नू करता हो ले ले मूली बाबा नून लगा की दूंगा एक आधा बुढ़ा नू का नून लगा की मूली तारे दे ले तुम्हारे घर क्यों दे जाता मारे का तुम्हारे बुढ़े आखिर जब आप थे इनकी तो बुढ़ी साड़ी होया करती ने साड़ी भी रोटियां में रूई सूट दें दी और बुढ़ा साड़ी का चाम खा जंदा अर साड़ी नुकंदी ए जी जल बकड़ खा गया लोकड़ खा गया बुढ़ा नुकंदा साड़िया की दे यो ही खा गया पूरी सोड़ चीशे मचाक थे कड़े साड़ी रह रही है बाबा इब तो जाव सुसराड में उसके गेट के गेलियां जेड़ी गंडा से धरे है इसे बटे उ नहीं रहे जंदी है नू कदे माता जी राम राम चरण छू ले बढ़ते नू कहे जी और बात न छोड़ो पतली पिन का चार्जर ले रहे हो जी तुम्हारी पुरानी सभ्यता है तो बुआनी डिस्ट्रिक्ट में बोंद गांव में बुआनी खेड़ा में चटुलवारी में ये काम रह रहे हैं जो सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद की बात सुना है अर बाल की खाल तारा मारी जिंदगी में काम आवे नहीं तो बाबा डिंग डोंग जमाना हो रहा इब इब टेलीविजन में नौजवानों गाने देखने लगे कभी विस्की बन जाऊंगी कभी ब्रांडी बन जाऊंगी माने मोदी जी गले की चोटी तक हंगा लगाऊंगे अर वो बम्बई के गाने हैं ओहो शर्मा वहां बाबा बता दिया ने एक गाना सुना उसमें दो बोल बोला हम तुम एक कमरे में बंद हूं और चाबी खो जाए माँ साला किया चाबी पावे नहीं घुट के मर जाए मारी रागनी तो वह है जो डंग डंग पर बात आवे ले की दे दे कर की खा ले अरे थोड़ी सी जिंदगानी खातर नर क्या क्या तूफान करे वारे दादा नंद लाल ये बोल गए थोड़ी सी जिंदगानी खातर नर क्या क्या सम्मान तूफान कर रे एक मिनट का नहीं भरोसा बरसों का सम्मान करे इंसान जन्म ले वह नु सोचो मरू एक होली और इस धरती पर तो चलिया जा हले बाबा ईसा तो चलिया जा जानु आया एक होली तो हम याद करते हैं जन्म और मरण में ऐतिहासिक बातों में तो आइए ज्यादा टाइम न लेते हुए मासे जी नरेंद्र शर्मा जी को एक बार जोरदार तालियां बजा दो दी कलाकार के नाम पर।